हाउ टू केयर अ गोल्ड फिश एट योर होम सबसे पहले हम गोल्ड फिश की केयर के बारे में बात करेंगे कि हमारी वैसे भी भी जो जो है वो very common है है वो वो नया शुरू करता है अपने एक्वेरियम को वो लाजमी रखता है तो हम सब सबसे पहले टैंक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मोस्टली हमारे गोल्ड को बाउल्स में रखा जाता है बाउल में रखना गोल्ड फिश को एक जुलम है ना उसमें फ़िल्टर लग सकता है ना उसमें ऑक्सीजन पंप लग सकता है ना उसमें हीटर लग सकता है तो वो बहुत बड़ा म है आपने बाउल में कभी भी नहीं लगना मिनिमम टैंक साइज़ जो है वो थ्री फ़ीट का लाजमी होना चाहिए देखें ना ये मेरे टैंक साइज़ का जो साइज़ है वो थ्री फ़ीट है आपने टैंक को क्राउडेड भी नहीं करना आपने फिशेस को जो है वो बहुत ज़्यादा भार नहीं देना फिशेस के और गोल्ड फिश एक्वेरियम में आपने ख़ास कुछ जो ये फैंसी गोल्ड फिशेस होती हैं इसमें आपने फ़ास्ट मूविंग फिशेस जिस तरह के शार्क्स हो गई या इस तरह की चीज़ें या nippers हो गए जिस तरह मोलीज़ वगैरह हैं वो nipping करती हैं इनके फिन को तो वो नहीं रखनी कोशिश करें कि गोल्ड फिश को गोल्ड के साथ ही रखें बेस्ट टैंक मेट्स में तो गोल्ड ही आती है और भी टैंक मेट्स हैं उसके बारे में मेरी वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे देखिएगा बहरहाल हाल आपने मिनिमम टैंक साइज़ जो है वो थ्री फ़ीट रखना है ओवरक्राउड नहीं करना बात करेंगे कि टैंक की लाइटिंग के बारे में कि आपने लाइट कितनी देर तक इसकी ऑन रखनी है आपने इसकी लाइट एट आवर्स के लिए ऑन रखनी है डे टाइम में ऑन रखनी है थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी अगर इनको मिल जाए को टू थ्री आवर्स के लिए तो वेरी बेस्ट है आपने जो लाइट है वो आठ घंटों से कम नहीं रखनी अगर आठ घंटों से कम रखेंगे तो आपकी फिशेस के कलर फ़ेड होना शुरू हो जाएंगे अगर ट्वेंटी फोर आवर्स लाइट ऑन रखेंगे तब भी फिशेस को आराम नहीं मिलेगा फिश स्ट्रेस में रहेगी और आपके कलर फ़ेड होना शुरू हो जाएंगे तो लाइटिंग का लाजमी ख्याल रखना है एट आवर्स की लाइट इज़ द बेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर लें तो फीडिंग में आपने हम मोस्टली पैलेट्स का यूज़ करते हैं बहुत अच्छे अच्छे पैलेट्स भी आते हैं जिसमें आपके हिकारी के आते हैं ऑप्टिमम थ्री वन बहुत बेस्ट पैलेट है आपकी गोल्डफिश के लिए तो इसमें सिर्फ हमने पैलेट्स में नहीं रखना गोल्ड फिश आपकी ओमनीवर्स फिशेस है एवरी थिंग ही नीड्स तो इसमें आपने ड्राइड श्रिम्स प्रॉन्स और ब्लड वर्म्स भी डालने हैं इसके अलावा आपने इसको कभी कभी वेजिटेबल्स जिस तरह आपके जो पीज़ होते हैं उनको हार्ड बॉयल करके उनके छिलके उतार कर ब्रोकली आपकी बहुत अच्छी फीड है इसके अलावा कभी आपके चावल बने चावल इनको डाल दें बॉयल्ड राइस जिसको हम कहते हैं उसके अलावा इनको स्पिनिच बहुत अच्छी चीज़ है प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है फ़ाइबर भी इनकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ पैलेट्स पर रखते हैं तो इनके पेट बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं स्विम ब्लडेड डिजीजेज़ वगैरह फ्लोटिंग आ, होना शुरू हो जाती है ये ऊपर आना शुरू हो जाती हैं इस तरह के थोड़े से इनको गैस प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं तो इसीलिए आपने इनमें वैराइटी ऑफ फूड्स रखने हैं जो आप ड्राइड चीज़ें खिलाएंगे श्रिम्स वगैरह प्रॉन्स वगैरह वीक में दो तीन दफ़ा खिलाएँ और फीडिंग क्वांटिटी की बात करें तो फीडिंग क्वांटिटी आपने इनको थोड़ी थोड़ी तादाद में दिन में तीन चार दफ़ा देनी है एक ही दफ़ा डालेंगे फ़िशे अब ये देखें ना ये मेरी फिशिज़ ऊपर आई हुई है मुझे देखकर दे वांट फूड अदरवाइज़ अभी मैंने इनको फूड डाला है ये हमेशा इस तरह का प्रिटेंड करती हैं जैसे कि ये आपकी भूखी है बट ये भूखी नहीं होती इनको हमेशा खाने की पड़ी रहती है तो इसलिए आपने क्वांटिटी कम रख के ज़्यादा बार डालनी है ताकि इनको कोई डिजीज वग़ैरह ना लगे एकदम से गैस प्रॉब्लम ना हो फिल्ट्रेशन सिस्टम में आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए मैंने ये पावर पम्प फिल्टर लगाया है जो कि गोल्डफिश के लिए ऐसा जितना रिकमेंडेड नहीं है कैनिस्टर फिल्टर इज़ बेस्ट फिल्टर अभी मेरी एक वीडियो में किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि कैनिस्टर फ़िल्टर लाजमी लगाएं वो हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे इसमें क्योंकि इसकी जो गोल्ड फिश होती हैं बहुत ज़्यादा गंद डालती हैं इनके फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ साथ आपके सेरेमिक्स रिंग्स भी होने चाहिए आपके एक्वेरियम में मौजूद आके आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो अमोनिया की तादाद को कम करता रहे फिल्ट्रेशन गोल्ड फिश को बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा गंद डालती है हीटर की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इनको हीटर नीडेड नहीं है ये 18 टू तो 25 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छे से गुजारा कर लेती हैं आपकी सर्दियों में अगर टेम्परेचर 18 से फॉल करता है तो आपको हीटर इंस्टॉल करना चाहिए उससे आपकी गोल्डफिश की हेल्थ ज़रा बेहतर रहेगी उसमें मेटाबलिज्म भी तेज़ होगा फास्ट ग्रोथ भी होगी और अगर टेम्परेचर आपका एटीन टू ट्वेंटी फाइव के दरमियान में है अगर हम बात करें ट्वेंटी टू इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द गोल्ड फिश तो फिर तो बहुत ही अली चीज़ हो जाएगी तो इसलिए टेम्परेचर का आपने लाजमी ख़्याल रखना है और वाटर क्वालिटी के बारे में आपने हमेशा टेस्ट वगैरह करते रहने जो छोटी छोटी किट्स मिलती हैं ए पी आई वगैरह की तो आपने उनका ख्याल करना है टेस्ट वगैरह करते रहें ताकि अमोनिया नाइट्रेट लेवल और पी एच लेवल आपने जो है उसको मेनटेन करना है तो चेंजेस में आपने वीकली 50 थर्टी परसेंट वाटर लाजमी चेंज करना है महीने में एक बार अगर आपके नीचे ग्रेवल हैं ग्रेवल को आपने सिफनिंग के थ्रू या फिर आपने उसको अच्छे तरीके से साफ कर कर उसकी जो पॉटी शोटी होती है वो सारा रिमूव करना है ताकि वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है अमोनिया डेवलप करने के लिए इसलिए उसको भी हमने रिमूव करना है लेकिन वीकली आपने थर्टी फोर्टी परसेंट वाटर लाजमी चेंज करना है ताकि आपके पानी की क्वालिटी बेस्ट रहे और आपकी फ़िश की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ना अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इसमें मेरी क्या गलतियाँ हैं उनको हम करेक्ट कर सकें थैंक यू सो मच अल्लाह